कर रहे हैं। और जो लोग जो वंचित रहे हैं, मेरा फोन फाड़ा, 10 साल सुनाई ना हो भाई, उसकी उम्मीद से उतरे। ये लगातार डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहते हैं कि हमने शाहपुर कंडी डैम बनाया, आपका क्या है इस बार रहा? मैं शाहपुर कंडी की प्रोजेक्ट के लिए मैं बिल्कुल खिलाफ। हमारे जम्मू, हमारा जम्मू में जो हमारा रावी रिवर है, हमारा पंजाब से ज्यादा हिस्सा हमारा है, पता होना चाहिए सबको। और पहले भी बेचा गया किसी जमाने में, इस बार इन्होंने बेच दिया उनको। हालांकि ये डैम हमारा बनना चाहिए, एक उनका एक हमारा भी बनना चाहिए। हमारी दरिया भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, और दरिया नहीं, सारी फर्द है, कौन सी डेवलपमेंट कराई? और ऐसे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए जिनको पता नहीं लगा कि गलत काम करवा गए। वो कहते हैं कि दो बार तो हम जीत चुके हैं, पानी कर दिया जाता था, उसे रोका गया, अब रोका गया और उसे किधर रोका है, डैम पूरा बना दिया गया। कौन कहता पानी रोका हुआ है? हुज टोल्ड? जाओ देखो ये पानी चल रहा है, सिर रोका है माइन मिनरल, उसका बेड़ा कर किया है, खड़े डलवाए हैं, पानी आता था और लगातार चलता था, तो वो वहां से इरोजन होके जो मिडिल ऊपर से जो डैम में फिल हो सिल्टेड हो रहा है, वो यहाँ नीचे गिरता था, लोग उससे अपना घर चलाते थे, रोजी रोटी चलाते थे। आज इतनी बुरी हालत है, वो बेचारे मामूली ट्रैक्टर वाले माफिया बना, ट्रैक्टर वाला माफिया होता है, आप तो बड़े मीडिया वाले समझते, माफिया किसको बोलते हैं, जिसे क्या क्या किया हो उसे माफिया बोलते हैं। ये लगता राम मंदिर और 370 पर भाजपा को वोट देंगे लोग? 370 पे ही नाराज हैं लोग, आपको बताना चाहिए। सब लोगों की नौकरियां चलेंगी, यहाँ से जमीनें चलेंगी, माइन मिनरल चलेंगे, और जो स्टैंडर्ड ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा स्टेट राइट था, स्टेट को यूटी बना दिया, कौन पसंद करेगा इस चीज को? और यूटी स्टेट बनती है, यहाँ उल्टा काम हुआ, उल्टा काम कराया गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या राम मंदिर का कोई एडवांटेज होगा इनको, बीजेपी को? नहीं नहीं, मतलब सारे लोग भगवान के भक्त हैं, ये इन्हें थोड़ी टेंडर भरा है। अगर ये इतने सगे होते तो वो जो इलेक्ट्रॉन बांड में जो बीफ के पैसे किसने खाए? लाल सिंह जी, आप हैट्रिक मारने जा रहे हो, लाल सिंह जी आप हैट्रिक मारने जा रहे हो, आपने दो चुनाव लड़े हैं, 2004 और 9 वाले, और उस वाले चुनाव इस चुनाव में आपको क्या फर्क दिख रहा है? जमीन आसमान का। वो किस तरह का फर्क दिख रहा है? आप फर्क इसलिए दिख रहा है, जो एंथुसियाज्म आज लोगों में है वो उसमें इतना ज्यादा नहीं था। मेरे मुतलका जितना प्यार आज है वो उस दिन उतना नहीं था। जितनी हमदर्दी है, जितना आज हमारे पीठ के पीछे जो सामने खड़े होके आगे पीछे, मैं देखा कि पीपल आर, लोग तो इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन आए तो लाल सिंह को कैसे हम उसकी मदद कर पाए। जो इन्होंने मेरे से जितनी जायती की है ना, वो इनको उल्टी पड़ी है, उल्टी पड़ी है। काम तो इन्होंने किया नहीं, तंग सबको किया। आप बनहाल से लेके कीड़िया गनियाल तक चले जाओ, कीड़िया गनियाल तक चले जाओ, आप हैरान होंगे, एक भी दरखास्त बताए कि एक बंदे की दरखास्त पे साइन किए इस आदमी ने, एक भी भाई साहब आप साइन ही नहीं करते। आप स्याही डाल दी, पेन दे दिया, आपको पूरी पावर दे दी, और अब तो मिनिस्टर भी बन गए, अब तो आपका साइन तो ज्यादा चलना चाहिए। लाल सिंह जी, आज तीसरी बार आप हैट्रिक मार, आज चुनाव छोड़कर मैदान पर आ गए हैं, इसका लाभ किसको मिलेगा? मुझे तो आपका क्या कहना है कि 370 जो हटा है उस वजह से ही? सारे इसके मल्टी कारण है, इलेक्शन जो इस समय आया है, 370 तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो धज्जियां उड़ाई है यहाँ के लोगों की, पूछा नहीं किसी को। आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत अच्छी है, जब उन्होंने आगे देखी ना कि यहाँ कोई झुकी नहीं मिल रही, यहाँ सारे लोगों के दो दो चार चार कमरे हैं, पक्के छत के नीचे रह रहे हैं, और लोगों की शक्ल भी अच्छी दिख रही है, बढ़िया साफ सुथरे कपड़े, उन्होंने कहा नो, ये पसंद नहीं आया। भाई आप अपने, हम चाहते हैं कि आपकी स्टेट भी ऐसी बने, हमारी राय ले लो, हम बताएंगे आप कैसे होते। आदमी की जो अपनी एक आइडेंटिटी है, आप किसी की आइडेंटिटी को थोड़ी कुचल सकते हो, किसी की आइडेंटिटी को मिल जाए। लाल सिंह तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं, हमेशा से रहा है 370, आप भी भाजपा में शामिल हुए थे, 370 का मुद्दा हम खिलाफ थे, हमने कभी इसकी 370 के, हम तो हमेशा हक में रहे, हम कहते हैं अगर तोड़नी थी तो 370 की नहीं दे दी हम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि पिछली बार में 3 लाख से ज्यादा वोट से जीता था, इस बार में 4 लाख से जीतूंगा, आप क्या कहते हैं कि क्या रहेगा इस बार? कहने में कोई कह दे वो आदर माऊगढ़ी जुड़ता त्रौकला दे पुत्र बरशिया खड़ा है, कोई कहने को कह दे कि भाई साहब कोई तू क्या खा रहा है, कहता मैं चने खा रहा हूँ, तो तेरे मुंह में तो है नहीं, सपोज किया है वो गुलाब जामुन करना,
यह चुनावी रण क्षेत्र आज भी चुनावी रण क्षेत्र कठुआ जिला ही है। इस बार भी चुनावी रण क्षेत्र 5 लाख वोट है यहाँ पे, यहाँ 5 नहीं यहाँ 6 लाख है। बहुत कम नहीं करो यार, वो लेने हमने साफ तौर पर।